Assalamualaikum guys, I am Salman Jit and you are watching Innovative Bit Solutions. So guys, आज एक हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. उस टॉपिक में क्या होगा? टॉपिक सिंपल है. उसके अंदर क्या है कि आपने सिर्फ क्या बनाना है? फॉर्म. फॉर्म कौन सा? सिंपल, कि आपने किसी की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने क्वेश्चंस के आंसर गेट करने हैं. बेशक वो मल्टीपल चॉइस हों, चेक बॉक्सेस हों, वो आपके पास ड्रॉप डाउन हो, वो आपके पास कौन सा हो, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का हो, इन्फॉर्मेशन देनी हो, कॉन्टैक्ट कर लेना हो, कोई भी किसी भी टाइप की आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है. लाइक आपने एडमिशन करवाना है, उसके लिए फॉर्म बना सकते हो. आपने कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो. आपने लाइक कोई भी मतलब इनविटेशन वगैरह देना है तो अगर कोई वो करना है, लाइक कोई भी आपका जैसे कहते हैं कि पार्टी वगैरह होने जा रही है तो आप उसके अंदर कौन कौन आ रहा है तो आप वो कोई भेज सकते हो कि भाई जी जिसने आना है वो आके जस्ट अपना क्या करे, अपना जो फॉर्म है उसको फिल करे और उससे वो क्या होगा कि वो एनरोल हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे बहुत ही बहुत टाइप के हमारे फॉर्म्स होते हैं. तो बेसिकली फॉर्म्स हम बनाने जा रहे हैं और फॉर्म हम यूज़ करेंगे कौन से? गूगल फॉर्म्स. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो. इसको इनफैक्ट आप अपनी जो शीट होती है, स्प्रेड शीट, जिसको हम एक्सेल कहते हैं, आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. कि सिंपल आपने क्या करना है कि आपका जो फॉर्म के ऊपर जो बंदा एंट्री करेगा वो डायरेक्ट आपकी कहाँ पे आएगी? एक्सेल शीट के ऊपर आएगी. ठीक है, तो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है. क्रोम ओपन करते हैं. क्रोम के ऊपर आपके सामने कोई भी आपकी लॉगिन होगी. ठीक है, तो आज मैं इस लैपटॉप पर लॉगिन हूँ. तो यहाँ पर आगे क्या करना है? गूगल ऐप्स हैं, गूगल ऐप्स के ऊपर मैं आता हूँ. यहाँ मुझे सबसे नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे फॉर्म्स का ऑप्शन आएगा. ठीक है, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ. इसके अलावा आपने गूगल के ऊपर आके, अगर आपके पास ये नहीं है या कोई और आपके सामने वो है, तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि जस्ट आपने यहाँ पे दिखना है कि गूगल फॉर्म्स. ठीक है, एंटर कर देना है. आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगा आपने इसको ओपन कर लेना है. ठीक है, यहाँ पे कहेगा गो टू फॉर्म्स, आपने गो टू फॉर्म्स करना है और आपके सामने ये गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा. सिंपल इज दैट. अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको बाय डिफॉल्ट दिया कि कॉन्टैक्ट फॉर्म हो जाएगा या पार्टी इनवाइट करना है तो उसके लिए हो जाएगा. टी शर्ट साइन अप, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी का मतलब सूट का साइज लें, टी शर्ट हो, पैंट हो, आपकी कुछ भी हो, ठीक है, आप कुछ भी आप दे सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल आपके पास जो इवेंट रजिस्ट्रेशन का भी है कि आप कोई इवेंट करवाने जा रहे हो, कोई आपका लाइक फिजिकल इवेंट है, ऑनलाइन इवेंट, कोई भी इवेंट हो सकता है, तो आप इसका ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म आप बना सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे. अब ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं, अगर इन टेम्पलेट्स को आप यूज़ करना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं यूज़ करना तब भी कोई मसला नहीं है. ब्लैंक के ऊपर आके आप बिल्कुल नया क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ब्लैंक से ही दिखाता हूँ कि हम ब्लैंक से बिल्कुल न्यू फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं. यहाँ पे आ जाइए, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया है, अनटाइटल फॉर्म. इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि भाई इसको टाइटल दो कोई कि ये फॉर्म है किसका. ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं कि एडमिशन का फॉर्म. ठीक है, तो एडमिशन एडमिशन फॉर्म, और उसके बाद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई. डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं क्या दूंगा, मैं सिंपल सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दूंगा कि भाई डिस्क्रिप्शन कैसी डिस्क्रिप्शन, कि यहाँ मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये फॉर्म है किसके लिए. ठीक है, तो यहाँ मैं देता हूँ कि भाई काइंडली फिल दिस फॉर्म विद करेक्ट, सिंपल करेक्टली टू इंश्योर योर एडमिशन. ठीक है, जस्ट इतना. और यहाँ पे आके मैं टैक्सी, अब क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गए. क्वेश्चन के अंदर आके अब क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन. ठीक है, अब ये तो मेरा हो गया ना, अब इसके अंदर मुझे पहला क्वेश्चन क्या देना है. पहला क्वेश्चन मैं यह दूंगा अनटाइटल क्वेश्चन है, तो यहाँ मैं आके कोई भी लाइक कहता हूँ कि भाई फुल नेम एंटर करो भाई. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे फुल नेम, और इसके बाद मैं आके यहाँ पे शॉर्ट आंसर, इसने बाय डिफॉल्ट जज कर ली कि फुल नेम शॉर्ट आंसर के अंदर जाएगा. अदरवाइज हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं. यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पैराग्राफ है आपके सामने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चेक बॉक्सेस हैं, ड्रॉप डाउन है, फाइल अपलोड भी है कि आप किसी की पिक्चर वगैरह जो है वो यहाँ पे आप ले सकते हो. ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि लीनियर स्केल है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, ये पूरी ग्रिड बन जाएगी, चेक बॉक्स ग्रिड है, पूरी एक ग्रिड बनी हुई आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद है डेट, आप यहाँ पे डेट भी दे सकते हो. लाइक आप चाहते हो कि कोई भी एडमिशन हो लेकिन
किस डेट से आप वो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, 15 से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, एक 1 से बैच स्टार्ट हो रहा है, एक नेक्स्ट 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो किस डेट से वो अपनी जो है वो क्लास स्टार्ट करना चाह रहा, तो वो आके अपनी डेट सेलेक्ट कर सकता है। टाइम उसके अंदर आप स्लॉट दे दो कि भाई एक क्लास आपकी एक दिन में 2 से 4 होती है, फिर उसके बाद आपकी 6 से 8 होती है, फिर उसके बाद 9 से 11 होती है, तो इसमें से जो भी वो एक स्लॉट होगी वो सिलेक्ट करेगा और डेट सेट, ठीक है। तो ऐसा भी आप कुछ कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास फुल नेम है तो इसका शॉर्ट आंसर ही करते हैं और उसके बाद इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड जब कर दिया हमने तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस आंसर के बगैर फॉर्म सबमिट नहीं हो सकेगा। जिसको आप रिक्वायर्ड नहीं करोगे उसके अंदर क्या होगा कि उसके आंसर के बगैर अगर वो यहाँ कुछ ना भी लिखे तब भी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ भी है, अब इसको थोड़ा सा ना खूबसूरत बना सकते हो। कैसे? थोड़ा सा ये आपको विजुअल नजर आए। कैसे? इमेज यहाँ पे आके क्लिक करो, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने पास से इमेज अपलोड कर सकते हो, URL से लेकर आ सकते हो, फोटोज हैं गूगल ड्राइव से, गूगल की इमेजेस भी हैं तो हम गूगल की इमेजेस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम, अब देखें ये नेम आ गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, सिंपल सी बात है कि हमें नेम ले रहे हैं ना उससे, तो यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ यहाँ पे नेम, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट कर लें आप, ये आपके सामने लोड हो रही है इमेज और ये इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए अभी इमेज बहुत बड़ी है, इसका साइज छोटा कर सकते हो आप, हर चीज़ की कस्टमाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये आपने छोटा कर लिया, ठीक है, बेशक आप इसके बराबर रख लो, ठीक है, जैसे भी आप चाहो, जितना आप छोटा करना चाहें आप यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, मोर ऑप्शंस, यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन, रिस्पांस वैलिडेशन, ठीक है। रिस्पांस वैलिडेशन के ऊपर आते हैं तो वो कह रहा है कि रिस्पांस कैसा होना चाहिए, ठीक है। नेम के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिंपल टेक्स्ट होता है, ठीक है। टेक्स्ट कंटेन्स कुछ भी वो करे, ठीक है, डोंट कंटेन ऐसा कुछ ना करे, तो मतलब आप यहाँ कुछ भी लगा, तो अभी हमारे नेम के लिए हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ से आकर मैं डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आप बताते हो कि भाई इसके अंदर आपने एंटर क्या करना है, फुल नेम तो लिख दिया लेकिन अंदर क्या करना है आपने एंटर, ठीक है। यहाँ पे आकर सिंपल आप लिखो कि एंटर योर नेम, एंटर योर फुल नेम कर दो, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ये एज इट इज। तो इसके बाद क्या होगा कि आप मुझे चाहिए कि भाई मैंने ऐसी ही एक और फील्ड बनानी, तो मैं यहाँ के क्या करूँगा, डुप्लीकेट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे ऐसी नहीं चाहिए, मुझे एक नई बनानी है, तो मैं यहाँ के क्या कर सकता हूँ, ऐड क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे अगर मैं ऐड क्वेश्चन करूँगा तो मेरे सामने फिर ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या 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 करके कर सकता हूँ कि सिंपल यहाँ पे आके मैं कर सकता हूँ कोर्सेज, कौन कौन से आपने कोर्सेज करने हैं, तो चेक बॉक्स, देखा ये देखो बाई डिफॉल्ट चेक बॉक्स हो रहा है, ये गूगल खुद एज्यूम करता है कि भाई आप क्या करने चाह रहे हो, ठीक है। कोर्सेज लिखा तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ मल्टीपल कोर्सेज चूज कर सकता हूँ, चेक बॉक्स होता है उसका मतलब होता है कि आप मल्टीपल चॉइस जो होते हैं वो आप चूज कर सकते हो, आपके पास चॉइसेस होती हैं तो उसमें से आप मल्टीपल आंसर चूज कर सकते हो। लेकिन जब आप रेडियो बटन होता है, ठीक है, कौन सा होता है वो होता है ये वाला मल्टीपल चॉइस वाला जो इसमें लिखा है, वहाँ पे आप 4 आंसर या 5 में से जितने भी आपके पास अवेलेबल आंसर होते हैं उनमें से कोई एक ही चूज़ करते हो खाली। इसी तरह आपके पास ड्रॉप डाउन होता है, इसमें भी आपके मल्टीपल जो उसमें से ऑप्शन होते हैं उनमें से कोई आप एक सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके सामने क्या है कि इसने ऑप्शन पूछा हुआ है कि भाई कोर्सेज तो हैं लेकिन पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जो हमारा कोर्स चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए सिंपल आके मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आके हम कर सकते हैं इसको लाइक ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ठीक है, और इस तरह आप जितने मर्जी यहाँ पे एंटर करते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आके आप इसको भी रिक्वायर्ड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने देनी है, ठीक है, कुछ भी आपने करना है तो आप कर सकते हो। शफल ऑप्शन ऑर्डर का मतलब ये है कि जो इसके अंदर जो ऑप्शन है ये हर दफ़ा हर बंदे को ही शफल होकर नजर आएंगे, तो हमें ऐसा कुछ चाहिए तो इसलिए हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ भी इमेज लगा सकते हो, हर काम यहाँ भी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या है कि ये आपके सामने आ गया इम्पोर्ट क्वेश्चन, कि आप कहीं भी आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं वहाँ से आप इम्पोर्ट करना चाह रहे हो, मतलब आपके पास कोई फॉर एग्जाम्पल आप
क्विज बनाने जा रहे हो अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आप क्या करते हो कि आप आपके पास जो फाइल बनी हुई है किसी में भी बड़ी वर्ड की फाइल है कोई भी है, ठीक है, आप वहाँ से इंपोर्ट करने अपने क्वेश्चन को, 150 100 जितने भी क्वेश्चन हैं तो आपने इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद क्या है कि ये ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे आप टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो बीच में, जैसे ये लिखा हुआ ऐसा कुछ आपके सामने आ जाता है कि मतलब आपने कोई नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो आप ये काम कर सकते हो। कोई आप इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, इसके बाद आप वीडियो को डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, कोई आप नया सेक्शन स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपल आपके सामने हर चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। अब ये तो हमारे सामने हो गया, अब इसका मैं सेट करता हूँ हेडर के, मतलब इस हेडर के ऊपर भी हम कोई भी अपनी इमेज लगा सकते हैं। थीम के ऊपर आते हैं, यहाँ पे सारा कुछ है, ठीक है, देखें थीम इसने हम यहाँ से वैसे कलर भी इसके चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप कर लें, देखें ग्रीन कर लें तो ये ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड इसने कोई बहुत यहाँ से चेंज कर लिया, आप जो और अपना चेंज कर सकते हैं। चूज इमेज के ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पे आप बहुत सारी आपको इमेजेस आपको मिलेंगी, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन के ऊपर आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे ये वाली इमेज अच्छी है, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ और इंसर्ट, ठीक है। जैसे मैंने इंसर्ट की, अब देखिएगा ये देखें इसने इंसर्ट किया, और इंसर्ट करते ही इसने इमेज के अंदर से जो इसके कलर थे रेलिवेंट कलर्स वो इसने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया। हाँ आप चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसने उसकी थीम के साथ खुद को मैच कर लिया, तो ये ऐसे सेट हो गया, ठीक है, अच्छा लगता है ना। तो आप इस तरह यहाँ पर अपना काम कर सकते, नज़र कैसे आएगा ये वो हम देख लेते हैं। ऐसा जो बंदा आएगा उसके सामने ऐसा होगा, ये उसकी ईमेल होगी, यहाँ स्विच कर सकता है वो, अदरवाइज वो यूँ आएगा और यहाँ पे आके अपना आंसर वगैरह इनपुट करेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आके एक दोनों विषय सेलेक्ट कर लेते जो भी, और यहाँ पे सबमिट कर सकता है वो, सिंपल इज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, अब इसने जब मैंने सबमिट किया वो मेरा आंसर यहाँ पे लेकर आ गया, ठीक है। अब देखें नेम के अंदर ये जो भी लिखा कोर्सेज यहाँ जो भी थे सारा कुछ मेरे सामने यहाँ पे लेकर आ गया। क्वेश्चंस अब मुझे क्वेश्चंस वाइज ये बता रहा है कि भाई नेम था, नेम के अंदर क्या चूज़ हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आपके सामने इंडिविजुअल्स आ गया, ठीक है। अब इंडिविजुअल में क्या होगा, वो जितने भी हमारे यहाँ पे हमारे सामने जो भी यहाँ पे क्या किया हुआ है कि किसने रिस्पॉन्स दिया हुआ है, जिसने अपनी एंट्री की हुई है, तो वो आपको हर बंदे का अलग अलग करके यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपके सामने क्या है, यहाँ पे है लिंक टू शीट्स, शीट्स मतलब ये गूगल शीट्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी हम आने वाले टाइम में एक लेक्चर करेंगे कि ये गूगल शीट्स कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप सिर्फ इतना देख लें कि आपने इसके ऊपर आके लिंक पे क्लिक करना है और ये पूछते हैं क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, उसको आपने कोई टाइटल दे देना है तो आप यहाँ पे आके टाइटल दे सकते हो, जस्ट लाइक मैं इसको कर देता हूँ कि यूनाइटेड वो अनटाइटल फॉर्म है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ कि मैंने क्या करना है कि एडमिशन फॉर्म, ठीक है, और एडमिशन फॉर्म के बाद मैं क्रिएट कर दूंगा और ये खुद ब खुद क्रिएट हो गई और ये मुझे वहाँ ले गया कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ इसने देखें, अब जैसे मैं क्रिएट की ना, इसने जो मेरा पिछला डाटा था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो करवा दिया, ये देखें टाइम स्टैम्प, टाइम किस टाइम और डेट सारा बता रहा है, फिर साथ में फुल नेम बता रहा है, फुल नेम जो मैंने एंटर किया था वो, और साथ में कोर्स, तो इस तरह ये आपकी सारी की सारी यहाँ पे वो लगा सकता है कि आपको बस पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी आपकी जो एंट्रीज हो रही हैं और क्या क्या एंट्रीज हो रही हैं सारी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इसकी सेटिंग्स हैं, ठीक है। अब इस सेटिंग्स के अंदर क्या है कि आप जब इसको क्विज बना रहे हो तो आप इसको ऑन कर दोगे, लेकिन फिलहाल हम क्विज नहीं बना रहे तो हम इसको ऑन नहीं कर रहे। रिस्पॉन्सेज के अंदर आ जाएं, ये कह रहा है ईमेल कलेक्ट नहीं करनी, ठीक है, वहाँ हमें ईमेल जो हुई थी नहीं हुई थी, तो इसको आप वेरीफाइड कर दोगे तो ये ईमेल आप कलेक्ट करेगा हर हाल में, ठीक है। सेंड रिस्पॉन्स ऑफ अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्सेज, तो इसको ऑलवेज कर दो कि जो भी रिस्पॉन्स आके अपना देगा अपनी यहाँ पे एंट्रियाँ लाइक कोई भी एंटर करेगा कुछ भी करेगा, ठीक है, तो उसको जो उसने जिस क्वेश्चन के अगेंस्ट जो आंसर उसने दिया वो उसको ईमेल सेंड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद ही, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो इसके बाद क्या है कि अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग के, एक दफ़ा जिसने रिस्पॉन्स कर दिया, एक दफ़ा जिसने जो आपका फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद जाके यहाँ पे ये उसको अलाउ हो गया वो दूसरी दफ़ा भी कर सके, तो इसको हम अलाउ कर देते हैं। हाँ यार एडमिशन में होते होते गलती हो सकती है कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट रिस्पॉन्स वन कि मतलब वो एक दफ़ा रिस्पॉन्स करे उसके बाद में दोबारा ना कर सके, तो ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अदरवाइज प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाए, यहाँ पे अपन शो प्रोग्रेस बार करें, ठीक है। शफल क्वेश्चन ऑर्डर हमें शफल नहीं करने अपने क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आके आप क्या कन्फर्मेशन मैसेजेस है, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ कन्फर्मेशन मैसेजेस में आपके आप बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, आप यहाँ के चेंज कर सकते हैं लाइक थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स या कुछ भी इस किस्म का आप कर सकते हैं, ठीक है। शो लिंक टू सबमिट एनदर रिस्पॉन्स, तो वो लिंक शो कर रहा है। व्यू समरी शो करवानी है आपने, वो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पॉन्डेंट्स, ठीक है, कि मतलब क्या है कि
एकदम ही चीज़ जैसे कर दिया, तो अगर वो उसी ईमेल से या किसी से दोबारा इसके ऊपर आता है तो यहाँ पे आके वो ऑटो आपके पास जो पिछले दफ़ा डाटा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ फॉर्म डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या करें, कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने ऊपर भी किया था, तो यहाँ भी हम वेरीफाइड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डिफॉल्ट, ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, मेक क्वेश्चन रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट। अब इसको अगर हम ऑन कर रहे हैं तो अगर आपने कोई क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट नहीं बनाया हुआ तो वो भी इसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड बना देगा। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी सारी सेटिंग कर सकते हैं इसकी, और यहाँ पे आके क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर आपने अगर इसको शेयर करना है, ठीक है, शेयर भी तो करना है ना, खाली बनाना तो नहीं है आपने, इसको आप सेंड करेंगे, सेंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आके आप किसी का ईमेल एंटर करेंगे तो उसको आपका ईमेल भी सेंड हो जाएगा। अगर ईमेल से नॉर्मली हम अपना ईमेल ज़्यादातर यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है, बेसिकली हम जो व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर आजकल ज़्यादा आ गए हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन है। वो क्या है कि लिंक, लिंक के ऊपर यहाँ पे है, मैं लिंक इतना बड़ा है, इसको मैंने शॉर्ट करना है, शॉर्ट एंड यूजुअल किया तो ये सामने आपके सामने आ गया, और यहाँ से आप कॉपी करेंगे और इसको कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी वेबसाइट में इसको इम्बेंड भी करवा सकते हैं, जो आप HTML वगैरह पे अपनी वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं तो आप वहाँ पे इसको इम्बेंड करवा सकते हैं जस्ट कॉपी करके। ठीक है, तो आई होप आपने आज बहुत मज़ेदार चीज़ समझ ली। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है आपने। ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हुए इसके अंदर आप बहुत कुछ, जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इसके अंदर बहुत कुछ आप नई नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो हम जो मैं आपको लेके आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो तकरीब हमारा ईमेल मार्केटिंग के ऊपर होगा, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हमने कैनवा कर लिया जिसके अंदर आप यहाँ बनाते हैं। अच्छा, एक और बात भी है कि आप यहाँ पे आके जो इसका बैकग्राउंड है या इसके अंदर ये जो कोई भी इमेज वगैरह सेट की हुई है, ये आप अपनी कैनवा के ऊपर खुद कस्टमाइज बना सकते हैं और वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपको आता है। और अगर आपने अभी तक मेरी कैनवा वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है कैनवा की। और फर्दर यहाँ पे क्या है कि अब हम ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, उसके बाद हम एक्सेल के ऊपर भी थोड़ा सा आएंगे कि लाइक एक्सेल बेसिक एक्सेल क्या होता है, कि आप इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या अपने यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं या इसमें आपको थोड़ा बहुत कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी प्रॉपर एक्सेल के ऊपर जो एक प्लेलिस्ट है तो वो अभी फ़िलहाल पेंडिंग है। ठीक है, लेकिन एक्सेल थोड़ा बहुत आपको जो यूज़ करना है वो यहाँ पे आपको मैं इसी कोर्स में करवाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।